सो कोशेंट फंक्शन को समझने के बाद अब बारी है समझने की काउंट फंक्शन को। क्या होता है ये काउंट फंक्शन? सो जैसा कि नाम में लिखा हुआ है काउंट, इसका मतलब कुछ ना कुछ ये काउंट करेगा। अब किस चीज को ये काउंट करता है, किसको काउंट नहीं करता है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे इस वीडियो में। नाउ आपको लिखने से पहले सिंटेक्स को समझना जरूरी है। मैंने पहले वीडियो से बता रहा हूँ सिंटेक्स का मतलब ये जो स्ट्रक्चर रहता है इस फंक्शन का उसको हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स, कैसे लिखना है, लिखने का तरीका। तो सबसे पहले तो हम लगाते हैं इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन को लिखने से पहले हम इज इक्वल टू लगाते हैं, उसके बाद उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करके आर्ग्यूमेंट्स अंदर लिखते हैं वैल्यू वन वैल्यू टू। मतलब काउंट फंक्शन जो है कुछ ऐसा आप लिख सकते हो इज इक्वल टू काउंट 1, 2, 3 ऐसे करके। तो ये जो आउटपुट देगा आपको 3 देगा, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं 1, 2, 3 कितने नंबर अंदर में है एज एन आर्ग्यूमेंट, या फिर आप अगर आप कोई रेंज सेलेक्ट करते हो A1 से लेके मान लो आप B15 तक, तो इस रेंज के अंदर कितने नंबर्स हैं उसका काउंट देगा ये काउंट फंक्शन। अगर आप कुछ ऐसा लिखोगे ना इज इक्वल टू काउंट A, B, C तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा, 0 देगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है। अभी दिखाता हूं आपको, क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ यहां पे आपको हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप सीधे यहां पे लिखोगे इज इक्वल टू काउंट और इस जगह से लेके इस जगह रेंज सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है, सेट कर लिया। ये पता है कैसे करते हैं आप, है ना, ये शॉर्टकट सारे दिए हुए हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, इस जगह पे आना है आपको, शिफ्ट कमांड और डाउन एरो प्रेस करना है यहाँ पे मैकबुक पे, है ना। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 23, मतलब टोटल 23 प्रोडक्ट्स हैं, ओके। नाउ इसी काउंट फंक्शन को जब आप इस जगह लगाओगे ना, इस वाले जगह पे, तो आप देखोगे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, 0, ये काउंट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है, ये चीज याद रखना आप, ठीक है।